पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के विधायक भाई फतह सिंह बाजवा और बलविंदर सिंह लाड़ी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथ ही पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया ने भी कमल का दामन थाम लिया है। इसी को लेकर विधायक फतह सिंह बाजवा और बलविंदर सिंह से बातचीत की संवाददाता ज्योति सिंह ने। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले दो हमारे साथ वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं, और एक तरफ अगर हम बात करें तो फतेह सिंह बाजवा हमारी तरफ हैं और दूसरी तरफ हम बात करें तो यहां पर बलविंदर सिंह लाडी हमारे साथ मौजूद है। दोनों से ही बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस के काफ़ी तेज कदावर नेता जो हैं ये दोनों रह चुके हैं और अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में बीजेपी का दामन थामने के बाद सबसे पहले जानेंगे कि पंजाब के किन बड़े मुद्दों पर अब ये दोनों नेता अपनी कमाल करते हुए दिखाई देंगे। सर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इवन टीवी पर। आप कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी में आए हैं, आखिर ऐसी कौन सी खास बातें थी जिसकी वजह से आपने बीजेपी का दामन थामा? बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, एक फैमिली की पार्टी बन के रह गई है। और मैं समझता हूँ भी जो नरेंद्र भाई मोदी जी की जो विजन है और उनकी दृढ़ता है जो अपने फैसले लेने में, उस पे वो हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। आज पंजाब को बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है, पंजाब फाइनेंशियल मेस में है। बलविंदर जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो बलविंदर जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कांग्रेस में ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से आपने बीजेपी का दामन थामा? नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है, लेकिन मेरे से पहले जो बाजवा साहब ने बताया है कि जो जहाँ के जो पंजाब के लीडर हैं उसको आपोताप पार्टी में, क्योंकि किसी को कोई मान ही नहीं रहा। जहाँ किसी घर में झगड़ा हो या लड़ाई हो, कुछ घर वधदा फुलदा नहीं। सो असी भी सोचा कि जो नरेंद्र मोदी जी जो साढ़े प्रधानमंत्री जी है, जिन्होंने पिछले दिन बड़ी दलेरी ना फैसले लिते ने, उन्होंने जिथे साढ़े किसानों के काले कानून से जोड़े सड़कों पर असी रोज़ एक दूजे तत्कार भी हो रहा है, सो उन्होंने बड़ा दलेरी ना जिते माफीनामा किया कि सारी संगत को माफ़ी मंगी है, वो उन्होंने काले कानून वापस किए हैं। सो य बहुत साढ़े दिलों एक छून वाली गल हुई है पंजाबियों खास तौर पर। और दूसरा जोड़ा उन्होंने कोरीडोर जोड़ा खोल के जिते अही सिख भाईचारा जिते अरदास करता है ननकाना साहब जिते गुरुधामा तो विछड़े से, सो वो कोरीडोर खोल के संगतान उत्थे जी कि खुलेआम जाके अपने दर्शन दीदारे कर सकते हैं। सो ये दो चीज़ा ने साडा मन जिहड़ा बिल्कुल बीजेपी वाल रुख किया। सो दूसरी गल जिथे साडा नौजवान बच्चे अजकल पढ़ के बाहर जा रहे विदेशों, सो अजकल तुहानू पता कि हर फैमिली च एक या दो बच्चे मतलब के है, अगर एक दो बच्चा ही बाहर चला गया तो परिवार फिर पिछों कुछ नहीं कर खाली रह जाता। सो ये असी सोच रहे हैं कि जिस तरह पूरे देश में अज विकास का एक नारा दिता गया मोदी साहब का और अमित शाह जी की रहनमई, सो अज असी चाहते हैं कि पंजाब से भी साढ़े कोई इंडस्ट्री आए, चाहे जिस तरह 5 जनवरी को फस्ट जो 2022 का साल है, नवा साल पंजाब को मुबारक होए, और उस दिन ही जी एक PGI बहुत वाला एक इंस्टीट्यूट दे रहे हैं। असी कोशिश करा कि एक वाला इंस्टीट्यूट जोड़ा कि जिसे साढ़े बच्चे रोज बेरोजगार ने उन्होंने वास्ते भी ये काम करन, ताकि विकास पक्षों असी पंजाब नूं जिथे पहला भी बहुत एक पंजाब पंजाबीयत जानी जाती है, असी चाहते डिवेलपमेंट पक्षों भी और काम पक्षों भी एक डिवेलपमेंट का एक नवा रूप जिहड़ा वह पंजाब बन सके। सो इस वास्ते असी अज बीजेपी का दामन थामिया और आस करते हैं कि सारा पंजाबी भाईचारा चाहे वह किसी भी धर्म के होन, चाहे हिंदू आ सिख ईसाई ने, हर धर्म नूं एक वधिया जिहड़ी हुण अजकल सैकुलर पार्टी बन चुकी बीजेपी उहदा दामन फड़ाई। लाड़ी जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से कल एक बैठक हुई गृह मंत्री के घर पर, वहां पर एक गठबंधन की घोषणा की गई, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर कैप्टन सिंह उनका गठबंधन है, हाँ, उसके अलावा अगर हम बात करें तो अकाली दल संयुक्त दल भी है इसमें, हाँ, तो लेकिन अगर इन तीनों के पार्टी जब एक साथ मिलेगी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती बनकर ये गठबंधन सामने आएगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर पहले ही ये सवाल उठाते हुए आए हैं कई लोग कि उन्होंने नशा मुक्त का नारा दिया था लेकिन वो वादा ही नहीं पूरा कर पाए? देखो, जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की आपने बात की है, एक बहुत वधिया सियासतदान है जिन्होंने कोविड विच, मैं तो यही कहूँगा कि जेकर पंजाब नूं सुरक्षित रखिया तो वह कैप्टन अमरिंदर सिंह जी,
सो उहदे नाल डिवेलपमेंट का जो काम होए ने उन्हां दी रहनमई च अज प्रोजेक्ट लगे ने नवे उन्हां दी रहनमई च सो कैप्टन साहब ने बहुत वधिया काम किया। जितों तक नशा मुक्त की गल की है, नशे नूं काफ़ी हद तक उन्होंने ठल भी पाई है और जिहड़े बड़े बड़े लोग सी उन्हां नूं फड़ के अंदर भी दिता। खैर जिहड़े मगरमच्छ ही उन्हां कोल थोड़ा जिहा बाहर रह गए जिहड़े हुण कटहरे च आ चुके। सो असीं ये समझते हैं कि जिहड़ी लड़ाई नशे दे उस पूरा पंजाब लड़ रहा, पूरे पंजाब का नागरिक लड़ रहा और असी अज एक बीजेपी तो आस करते हैं कि जे कोई पिछे कमी रही है, चाहे नशा सी चाहे कोई डेवलपमेंट सी, वो असी पूरी करावांगे, ये साडा फर्ज है। थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए थे, अगर बात करें तो पंजाब से नेता जिन्होंने अब कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है, एक तरफ हमारे साथ बात कर रहे थे फतेह सिंह बाजवा और दूसरी तरफ बात कर रहे थे हमारे साथ बलविंदर सिंह लाडी। वीडियो जर्नलिस्ट भारत कुमार चौहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV न्यूज़, दिल्ली।